हेलो फ्रेंड्स, एसी को रिपेयर करते वक्त ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी होती है हम लोगों को कि वहाँ हम जो एसी रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर जो हमें कैपेसिटर लगाना पड़ता है वो कितने एमएफडी का कैपेसिटर होना चाहिए, यानी अगर एक टन का एसी है तो उसके अंदर कितने एमएफडी का कैपेसिटर होना चाहिए, और अगर 1.5 टन का है तो कितने एमएफडी का कैपेसिटर होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम ज़्यादा एमएफडी का कैपेसिटर लगा देते हैं या कम एमएफडी का कैपेसिटर लगा देते हैं तो वहाँ भी हमारा एसी सही तरीके से नहीं चल पाता। तो आज मैं वीडियो के अंदर आपको यही डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको कितने टन के एसी के अंदर कितने एमएफटी का कैपेसिटर लगाना चाहिए और जो बिल्कुल सही और राइट तरीका है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएल एसी वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। तो चलो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं 1 टन के एसी की। अगर हम 1 टन के एसी को अगर रिपेयर कर रहे हैं और रिपेयर करते वक्त कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा जो आउटडोर यूनिट होता है वो चालू नहीं हो पाता, यानी ऑन नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये कंफ्यूजन रहती है कि इसका जो कैपेसिटर है वो खराब है, यानी वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है, जिस वजह से हमारा ये स्प्लिट एसी ऑन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम उसका कैपेसिटर चेक करके देख सकते हैं कि कहीं कैपेसिटर वीक तो नहीं हो गया जिसकी वजह से ये एसी ऑन नहीं हो रहा है। तो अगर 1 टन का एसी है तो 1 टन के एसी के अंदर हम 30 से 35 एमएफटी तक का कैपेसिटर लगा सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम राइट है। कुछ टेक्नीशियन ऐसे भी होते हैं जो 40 एमएफटी तक का कैपेसिटर भी लगा देते हैं, बट जो बिल्कुल सही तरीका है मैं आपको वो बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम 1.5 टन के एसी की, यानी 1.5 टन का जो एसी होता है उसके अंदर कितने एमएफडी का कैपेसिटर होना चाहिए सही तरीके से। तो उसके अंदर 40 से 45 एमएफडी तक का कैपेसिटर होना चाहिए 1.5 टन के एसी के अंदर। अगर हम उसे रिपेयर कर रहे हैं या वो नहीं चल पा रहा, ऑन नहीं हो पा रहा है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है उसका कैपेसिटर ठीक हो और उसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम है, यानी कि सही तरीके से हम पहले उसे चेक कर लें, या फिर हमारे पास जो मल्टीमीटर है हम उस मल्टीमीटर से एक बार ये चेक कर लें कि जो उसमें कैपेसिटर ऑलरेडी लगा हुआ है वो कैपेसिटर खराब है या फिर कैपेसिटर सही है। अगर वो कैपेसिटर खराब है तो हम उसका कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम 2 टन के एसी की, यानी जो 2 टन का एसी होता है उसके अंदर कितने एमएफडी का कैपेसिटर सही तरीके से होना चाहिए। तो 2 टन के एसी के अंदर 55 से 60 एमएफडी का कैपेसिटर लगा होता है, तो हम वहाँ उसमें 55 से 60 एमएफडी का कैपेसिटर लगा सकते हैं। ये एमएफडी का मतलब होता है माइक्रो फेराड, ये माइक्रो फेराड में मापता है, तो इसलिए उसे हम माइक्रो फेराड बोलते हैं जो एमएफडी होता है। उसके बाद बात करते हैं हम 2.5 टन के एसी की। 2.5 टन का जो एसी होता है उसके अंदर हम 65 एमएफडी यानी 65 एमएफडी का कैपेसिटर लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये चेक कर सकते हैं अगर हमारा जो एसी है और आउटडोर यूनिट ऑन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना ज़रूरी है कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर इंडोर यूनिट से ही उसे सप्लाई नहीं मिलती, कोई रिले उठ जाती है, रिले फ्यूज़ हो जाती है, या फिर इंडोर यूनिट का जो कैपेसिटर होता है वो फ्यूज़ हो जाता है, या फिर एक फ्यूज़ लगा होता है इंडोर यूनिट की पीसीबी में, वो कभी कभी फ्यूज़ हो जाता है जिस वजह से वो आगे सप्लाई नहीं देता और आउटडोर यूनिट ऑन नहीं होता। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे आउटडोर यूनिट ऑन नहीं होता, यानी हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ऑन नहीं होता है। इस वीडियो में सिर्फ यही कंप्लीट बताया है कि आप कितने एमएफटी का कैपेसिटर लगा सकते हैं 1 टन के एसी में। तो मैंने आपको बिल्कुल एकदम राइट तरीका बताया है। कई बार ऐसा भी होता है अगर जहां आपको 35 एमएफटी का कैपेसिटर लगाना है तो वहीं कुछ टेक्नीशियन 40 एमएफटी का भी लगा देते हैं, यानी जहां आपको 45 एमएफटी का कैपेसिटर लगाना है तो वहीं कुछ टेक्नीशियन 50 एमएफटी का कैपेसिटर भी लगा देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो एसी की कंडीशन होती है वो बहुत ओल्ड हो जाती है, जो प्रॉपर वो उसे लोड लेने में दिक्कत होती है, तो वहाँ आप ज़्यादा कैपेसिटी वाला भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, मगर ज़्यादा नहीं होता उसमें। सिर्फ अब इतना हो सकता है कि अगर आप 45 एमएफटी का कैपेसिटर उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है तो वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 एमएफटी तक का कैपेसिटर लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।